Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. So चलिए start करते हैं हमारे ये आने वाले week के लिए. So मैं आपको बता दूँ, ये है आपकी साप्ताहिक राशिफल, weekly tarot reading, जो मैं हर हफ्ते आपके लिए करती हूँ, ताकि आपको idea मिल सके आपका आने वाले week को आप कैसे और positive बना सकते हैं with this spiritual divine guidance with the help of tarot cards. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये जो डेट्स होंगी अराउंड 12th नवंबर से लेके 18th नवंबर तक की हैं, जो हमारा आने वाला ये वीक है. सो हर राशि के बारे में मैं बात करूँगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली राशि से. सो एरीज है, मेष है सबसे पहली राशि. आपके लिए जो कार्ड आया है वो है बिजी टाइम्स एंड मल्टी टास्किंग. दोस्तों ये कार्ड का मतलब कहीं ना कहीं हम सुनते ही समझ सकते हैं कि बिजी रहना. ये कार्ड के एक्चुअली दो पहलू हैं. जितने भी एरीज वाले सुन रहे हैं, फायर साइन हैं आप, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, हमेशा हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हैं, तो आपके लिए जो ये जो कार्ड है मल्टी टास्किंग एंड हार्ड वर्किंग, सो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आने वाले हफ्ते में आपका काम बढ़ सकता है या आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़रूर बन सकता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ही भूल जाओ, अपनी हेल्थ की चिंता करना छोड़ दें. चिंता करने का मतलब खाली है कि काम पे थोड़ा बैलेंस रखें, अपने काम के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखें. बिजी रहने वाला ये वीक है आपका आने वाला, काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो सकती है, बिजी स्केड्यूल हो सकते हैं, या एक टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करना अच्छी बात है, काम की अपॉर्चुनिटी आना अच्छी बात होती है, लेकिन साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें, काम को बैलेंस करने की कोशिश करें, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा. अब बात करते हैं हमारी दूसरी राशि की, द टॉरस. आपके लिए जो कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का कार्ड है. यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि अगर मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी तो शायद आपको देख के समझना है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको कार्ड का मेन वर्ड सुनाकर आपको उसका मीनिंग समझा सकूँ. ये कार्ड का मीनिंग जब टॉरस के लिए आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि इस हफ्ते आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए. आपके जो लॉर्ड है, वैसे तो वीनस कुछ शुक्रदेव हैं, सो शुक्रदेव कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्लैनेट से ज़्यादा कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रूल करते हैं. बट ये हफ्ते मैं आपसे रिकमेंड करूँगी, जितने भी टॉरस ये सुन रहे हैं, कि इस हफ्ते आप ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करें, ज़्यादा काम को प्रायोरिटी ना दें, या ज़्यादा आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस चीज़ें आपको लग रही हैं, इस हफ्ते कोशिश कीजिए शांत रहिए. अपना दिमाग को आप जैसे भी स्पिरिचुअली, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड किसी भी भगवान को आप बिलीव करते हैं, मेडिटेशन, योगा, जो चाहे कीजिए, आपको पसंद आए, आपकी मन की शांति की प्रायोरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ना कि एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सोचते रहना मुझे ये चाहिए, मुझे वो सपने अचीव करने, मुझे ये करना है. ये वीक उन सारी चीज़ों के लिए नहीं है. इनफैक्ट ये सारे वीक में आपको वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल एंड ज़्यादा आपको परेशान करेगा. इस हफ्ते आप समझ जाइए कि मे बी शायद आपका ये वीक आप थोड़े से शांत रहे, शायद आप जो उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था, ये काम ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाना, जो हम एक मायावी दुनिया में कभी कभार खुद ही खो जाते हैं, बहुत भय जाते हैं, तो एक स्पिरिचुअल विजडम, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ये वीक आप ज़रूर बना कर रखें. बाकी आपकी लाइफ तो जो आप डेली रूटीन में करते हैं, काम पैसा हम सबको कमाना है, वो ज़रूर करते रहिए, बट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर बना के रखें, वो आपको ज़्यादा अच्छा विजडम देगा एंड ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा. सो अब कहते हैं ना, जैसे हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी बैटरी भी तो चार्ज करनी है, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल भगवान से जुड़ने वाली एनर्जी हमें स्पिरिचुअल चार्ज करती है. सो वो इस हफ्ते आपके लिए ज़रूरी है. चलिए बात करते हैं जेमिनी के लिए. थर्ड कार्ड है जो हमारा, थर्ड राशि के लिए, वो आपका जो कार्ड आया है काफ़ी खूबसूरत कार्ड है. कार्ड का नाम है डायमंड एंड यहाँ पर लिखा है वैल्यू योर सेल्फ वर्थ. ये कार्ड का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं यही है. इस हफ्ते सब जानते हैं हमारे जेमिनाइज, कहीं ना कहीं उन्हें ड्यूअल फेस कहा जाता है, कभी कभार उनकी मन मुटाव हो जाते हैं दूसरे लोगों से. इस हफ्ते आपको ध्यान देना है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद से प्यार करें, खुद का ख्याल रखें. ये वीक ज़्यादा आपको दूसरों के साथ अपने आप को एक्सप्लेन करने में इन्वेस्ट एनर्जी मत कीजिए. कम्युनिकेशन जहाँ तक कम हो सके, अगर आपको लग रहा है आपकी बात कहीं बिगड़ रही है, चाहे आपके बॉस है, चाहे आपके पार्टनर से है, चाहे किसी के साथ है, अपने आप को चुप रखने की कोशिश कीजिए, शांत रहिए, खुद में आत्मविश्वास बना के रखिए. अगर आपको लगता है आप सही हैं तो शांत रहिए, वक्त आने पर वो चीज़ अपने आप पता चल जाएगी. लेकिन आप उसे बोल बोल कर चीज़ों को बिगाड़े ना, तो शांत रहकर ठंडे दिमाग से फैसले लें. इस हफ्ते आपको अपना ख्याल ज़्यादा रखना है, ना कि आप ज़्यादा बहस में पढ़े दूसरे लोगों के साथ, तो ये चीज़ आपको इस हफ्ते अवॉइड करनी है.
रेस्ट कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है, डायमंड कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का भी साइन लेके ज़रूर आ रहा है। सो डायमंड इज़ अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी फोर्थ राशि के बारे में, जो है कैंसर। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है पैशन एंड पर्पस। ये कार्ड का कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि आपके दिल की जो, आई थिंक मेरे ख्याल से शायद पिछले हफ्ते भी यही कार्ड आया था शायद, मोस्टली बिकॉज कैंसेरियंस की कहीं ना कहीं एनर्जी कुछ इस तरीके से चल रही है, बहुत इमोशनल होते हैं, तो उनके दिल में कहीं डिज़ायर के लिए वो काम कर रहे होते हैं। सो ये वीक भी आपका कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो भी आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है ज़रूर उसे फॉलो कीजिए। धीरे धीरे भरोसा रखें कि आपका जो दिल कह रहा है, आपका इंट्यूशन जो आपसे कह रहा है, उसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अपने ड्रीम्स पे, आपकी जो भी दिली इच्छा, उस पर फेथ बनाए रखें, गिव अप मत कीजिए। ये इंडिकेशन है आपके कार्ड का जो आपसे कह रहा है कि फॉलो योर पैशन एंड पर्पस। जो आपका दिल अंदर से कह रहा है, चाहे वो करियर है, रिलेशनशिप है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा दिल कहता है, ये तो रियलिटी में मुझे नहीं दिख रहा, बट मेरा दिल कहता है इसमें ज़रूर कोई चीज़ होगी या ये हो जाएगी, या मुझे उम्मीद करनी चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए। सो अपने दिल की बात सुनकर ज़रूर आगे बढ़ें। ये हफ्ता या आने वाला वीक ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर आएगा। चलिए बात करते हैं हमारी फिफ्थ राशि लियो के लिए। लियो के लिए काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। कलर ही एक्चुअली कहीं ना कहीं लियो से रिलेटेड है, काफ़ी येलोइश टोन में है, सन के टोन में, बिकॉज लियो के भी लॉर्ड सूर्य देव हैं, तो काफ़ी सूर्य के कलर्स के कार्ड हैं। यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है वो है बी जेंटल विद योर सेल्फ। लियो की जो एक्चुअली एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, बिकॉज सन इनके रूलर प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं बहुत मैं कहूँगी कि बहुत स्टिफ रहते हैं, टाइट रहते हैं। ज़्यादातर लियोस को बहुत ज़्यादा फनी एंड इजी गोइंग नहीं देखा जाता, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बड़ा ही कॉन्फिडेंट भी होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी देखी जाती है लियोस की। सो ये वीक आपके लिए जो मैसेज लेकर आ रहे हैं काज, वो ये है कि बी जेंटल विद योर सेल्फ। आपके जितने भी डिज़ायर्स हैं, आप जो भी सोच रहे हो, या ये वीक आप अपने आप को थोड़ा सा आराम दें, थोड़ा सा ईजी चले। आपके काम को लेकर आपको बहुत टेंशन है, आपका करियर नहीं सेट हो रहा है, या आपके बिजनेस में आपको अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, जो भी टेंशन है, बिकॉज लियो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेते हैं, उस पर बहुत मेहनत करते हैं, एंड वो अपनी सारी काम की फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लियोज एंड उनके रिलेशनशिप में भी वो वैसे ही हो जाते हैं, तो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर लेते हैं लियोज। सो इस हफ्ते लियो आप अपना ध्यान रखें, इस हफ्ते आप ज़रा सा चीज़ों को ईजी लें, ज़्यादा फोकस ना करें स्ट्रेस लेने पर, धीरे धीरे चीज़ें बेटर होंगी, बट ये हफ्ते थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें तो बेटर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, करियर वाइज चीज़ों को मे बी टाइम लग सकता है सेटल डाउन होने में, जो भी आपकी डिज़ायर्स इच्छा है, बट अपने आप को भी प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है इस वीक के लिए फॉर लियो। सो टेक इट ईजी, रिलैक्स डाउन, थोड़ा सा ईजीली चीज़ें सेटल हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं हमारी जो अगली राशि है कन्या राशि, उनके लिए जो कार्ड आया है द मून स्टोन। ये भी अगेन इनके भी जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं आपकी राशि के। आपके लिए भी जो कार्ड आया है वो है इंट्यूशन का कार्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मून स्टोन दिया गया है। मून स्टोन कहीं ना कहीं ऐसा क्रिस्टल है, तब दिया जाता है जब चंद्रमा का प्रभाव भी हमारे माइंड पे होता है, जब बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन चल रही होती है। सो कन्या राशि वाले वैसे ही बहुत ज़्यादा सोचने में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो इस हफ्ते उन्हें रिकमेंडेशन है कि अपने माइंड को काम करने के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ज़रूर, इन सब चीज़ों की मदद लें। इस हफ्ते कोई बड़े डिसीजंस ना लें, चुप रहना बेहतर है, या कोई बड़े डिसीजंस ना लें। कोई चीज़ों में आप फैसला लेने में हिचकिचा रहे हैं, सो दूसरों की मदद लें, बट अकेले रहकर फैसले ना लें, बिकॉज मून स्टोन आया है, हाइट एंड इंट्यूशन ज़रूर आया है। आपका इंट्यूशन ज़रूर आपसे सही बात कहेगा, लेकिन जल्दबाजी में फैसला ना लें, ज़रूर किसी और की राय लेकर या आप अपनी लाइफ में फैसले लें। बाकी काम की स्पीड हो या आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आपकी जो भी दिली इच्छाएं, उनमें शांति बना रखें। धीरे धीरे टाइम लगे लग सकता है चीज़ों को, बट उन्हें शांति से लें, जल्दबाजी में माइंड पर स्ट्रेस ना डालें, धीरे धीरे चीज़ें ज़रूर सॉर्टेड होंगी। सो चलिए बात करते हैं हमारी अगली राशि के बारे में, जो है सेवेंथ राशि तुला। इनके लिए जो कार्ड आया है काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, दैट इज़ द आंसर्ड प्रेयर्स। ये कार्ड आपसे कहीं ना कहीं कह रहा है कि जितने भी तुला राशि वाले, एक अपने जितने भी जन ये वीडियो देख रहे हैं, तुला अगर आपकी राशि है, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप जो इतने टाइम से किसी चीज़ की मन्नत मांग रहे थे, आप प्रे कर रहे थे,
या कोई चीज़ आप बड़े टाइम से चाहते थे, तो ये इस हफ्ते इंडिकेशन के साथ आ रहा है कि शायद उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस, पॉजिटिविटी या कोई अच्छा इंडिकेशन आपको उन चीज़ों में मिल सकते हैं, या एक ये डिवाइन का आप मैसेज समझ सकते हैं कि जो चीज़ आप सुनना चाहते थे उसमें ज़रा बहुत आपको इंक्रीमेंट या पॉजिटिविटी आती ज़रूर दिखेगी। सो ये उस तरीके का कार्ड है जहाँ पे ये अगर किसी में क्लाइंट की रीडिंग करें और ये कार्ड आ जाए तो मैं कहूँगी आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज हम जो चीज़ चाहते हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, सबके भले के लिए होनी चाहिए, ये ना कि हम सेल्फिश डिसीजन रखें तो उसमें भी यूनिवर्स हमारी मदद नहीं करते हैं। सच्ची मेहनत हो, सच्ची लगन हो तो ज़रूर हमारी भी भगवान सुनते हैं, हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं। सो ये उसके रिगार्डिंग कार्ड है कि ज़रूर आप कोई चीज़ सच्चे दिल से चाहते हैं, सो ज़रूर उसमें पॉजिटिविटी आती दिख रही है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं हमारे स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस के लिए कार्ड आया है द येलो जैस्पर। ये कार्ड जो आज आपसे बात कर रहा है कंट्रोल इश्यूज, इस कार्ड का नाम है कंट्रोल इश्यूज। सो स्कॉर्पियंस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो ये हफ्ते आप ध्यान दीजिए, अगेन दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल इश्यूज़। कंट्रोल इश्यूज़ का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि कहीं बार आप कुछ कहते हैं या आप किसी और की बात में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सो दिस ये वीक नहीं है आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने का। ज़्यादा आप मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं और आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कुछ करने के लिए, अगर आपको लगता है वो चीज़ आपके लिए नहीं है, सो ज़रूर आप उसे कहिए, समझिए, लेकिन किसी भी चीज़ के प्रेशर में मत रहिए। सो कंट्रोल इश्यू का मतलब कहीं ना कहीं होता है जैसे आपको कोई फोर्स कर रहा हो, आपको आपको शायद लगेगा कि शायद आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, या दूसरे लोग आपको इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये कार्ड तब आता है दोस्तों कि हर परिस्थिति में अगर आपको लगे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो ज़रूर वो मदद मांगे, चाहे वो करियर हो, गाइडेंस हो, किसी से बात करना हो, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर को मत खोइए, अपनी पावर को बनाए रखें, आप जो भी चीज़ चाहते हैं उस पर संयम बना कर रखें, बट ये ना सोचे बस अभी तक मेरे साथ ऐसा होता रहा है सो यही मेरे साथ होगा। ज़रा सा आप शांत रहिए एंड चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ज़रूर किसी और की मदद लेकर आप कीजिए, बट ये कार्ड कहीं ना कहीं अगर मैं इन शॉर्ट टर्म कहूँ सो आपसे कह रहा है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में कहीं ना कहीं आपके कर्मों से भी बैलेंस होती है। सो कहीं ना कहीं डेस्टिनी है, कहीं ना कहीं आपके भी कर्म है। सो आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, कोई चीज़ आपको सही नहीं लग रही है तो उसे बोलिए, उसके लिए स्टैंड लीजिए, सो डेफिनेटली यू विल गेट द सपोर्ट जो आप चाहते हैं आपके सराउंडिंग में। रेस्ट करियर वाइज हो, आपके रिलेशनशिप में हो, या किसी भी कैटेगरी में हो, ये वीक आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति बना कर रखनी है, अवॉइड करने हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एंड धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस दिखेगी। सो धनु राशि के लिए क्या कार्ड है देख लेते हैं। धनु राशि के लिए कार्ड है द इंक्रीज सपोर्ट। ये कार्ड आपसे कहीं ना कहीं कह रहा है कि इस हफ्ते आपका जो भी दिल करता है करने का, जो भी आप अपने ड्रीम्स या जो भी आप चाहते हैं उसमें इंक्रीज सपोर्ट का मतलब ये है आप अपने कदम आगे आगे बढ़ाते जाएं, सही वक्त पर आपको सही सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, चाहे वो मनी की हो, चाहे आइडियाज़ की हो, चाहे किसी की हेल्प हो, ज़रूर उसमें आपको गाइडेंस मिलेगी एंड सपोर्ट मिलेगी। तो अपने आपके जो भी डिज़ायर्स हैं उसमें आप आगे बढ़ते रहें, अपनी मेहनत करते रहें, उसमें आपको पॉजिटिविटी ज़रूर दिखेगी। सो इंक्रीज सपोर्ट है, आप इसे डिवाइन सपोर्ट कह लें या आपके परिवार के सपोर्ट कह लें, कहीं ना कहीं से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी अगली राशि जो मकर है। मकर राशि वालों के लिए कार्ड है गिव इट टू गॉड। ये कार्ड का मतलब दोस्तों ये होता है मकर राशि वाले जितने भी देख रहे हैं कि इस हफ्ते आपकी जितने भी आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं, आप बहुत टाइम से किसी भी चीज़ के लिए वेट करें, चाहे वो शादी हो, जॉब हो, हेल्थ हो, किसी भी चीज़ के लिए आपसे ये डिवाइन मैसेज, ये डिवाइन कार्ड आपसे कह रहे हैं कि गिव इट टू गॉड, सरेंडर कर दीजिए, बिकॉज कई बार चीज़ों को छोड़ देने से वो अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाती हैं, उस पर अपने आप ही डिवाइन की एक पावर आ जाती है। कभी कभार ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपने सब कुछ कर लिया है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, सो दिस इज़ द टाइम गिव इट टू गॉड। थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए और फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, चीज़ें कैसी हो रही है। ज़्यादा आप मेंटल स्ट्रेस ना लें, रिलैक्स करने की कोशिश करें, एंड द मैसेज इज़ वेरी सिंपल, गिव इट टू गॉड। सो ये आपके लिए मैसेज है इस वीक के लिए। रेस्ट हम बात करें थे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए कार्ड आया है द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटी। इस कार्ड का मतलब ये होता है दोस्तों, जब भी किसी भी रीडिंग में या स्पेशली अभी कुंभ राशि के लिए कार्ड आया है,
सो इस कार्ड का मतलब ये होता है कि जब ये कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि अगर आप एक सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो हम कहते हैं कि जिस संगत में आप हैं आप वैसा ही बिहेव करेंगे। सो ये वीक आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कहीं नेगेटिविटी है, आप कहीं अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं दोस्तों के बीच, या किसी से भी आपका मनमुटाव है, आपको वो उन लोगों के बीच रहकर खुशी नहीं मिल रही, सो अवॉइड इट। जहाँ आपका मन लग रहा है, जहाँ आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है, उन लोगों से बात कीजिए, वहाँ टाइम स्पेंड कीजिए, वहाँ आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। सो दिस इज़ द मेन मॉरल मैसेज जो कार्ड में इस वक्त है। इसके अलावा मैं आपसे रेकमेंड करूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शन या पीस ऑफ माइंड बनाने की कोशिश कीजिए इस हफ्ते, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। सो कहीं ना कहीं मैं अगर देखूँ सो मकर और कुंभ राशि, इन दोनों के लॉर्ड शनि देवी हैं और शनि देव को भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कहा जाता है। सो आप दोनों राशियों के लिए कार्ड काफ़ी सिमिलर है। वो ये कह रहे हैं कि गिव इट टू गॉड एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, बिकॉज मकर एंड कुंभ राशि दोनों ही बहुत ही मेहनती राशि होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग में बिलीव करती हैं। बट साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है अपने कर्म के साथ साथ ऊपर वाले पे भी आप भरोसा रखें, तो चीज़ें ज़रूर आपकी मददगार साबित होंगी। तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़रा बहुत आप शांत रहें तो चीज़ें ज़रूर आपको पॉजिटिव लगेंगी। इसी के साथ साथ हम अपनी आखिरी राशि ले लेते हैं जो है कि मीन राशि। मीन राशि के लिए अब तक आई थिंक सबसे पॉजिटिव कार्ड आया है जो है द प्रॉस्पेरिटी। सो प्रॉस्पेरिटी सुनते ही जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह बहुत अच्छा कार्ड आया है। बट इन दी रिलीम ऑफ दिस कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स, जब भी हम ये कार्ड देखते हैं तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है हमारी मन की खुशी, हमारी अंतर मन की खुशी, हमारे सराउंडिंग में जो हम फैमिली रहते हैं, कंटेंटमेंट होना, एक अंदर से खुशी महसूस होना, उसे भी प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। सो ये वीक आपके लिए मेन राशि वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। मनी वाइज करियर वाइज जो भी आपके डिज़ायर्स हो उसमें इंक्रीमेंट होने या पॉजिटिविटी आना हम उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके रिश्तों में भी ये काफ़ी लाइट एंड पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं। सो इस वीक को मैं सजेस्ट करूँगी आप मेहनत ज़्यादा करें इस वीक के लिए, आपकी जो भी इंटेंशंस हैं उसे आप स्टेबल रखें, अपने मन को शांत रखें। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू गाइज। सो लेट्स सी अभी सब राशियों के लिए आने वाला वीक कैसे जाता है। सो ये था मेरा इस वीक का साप्ताहिक राशिफल, सब राशि के लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मुझे कॉल्स आते हैं, आप सबके मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी कि आप ये मेरे वीडियो को भी अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नीचे मेरी डिटेल्स अवेलेबल हैं फॉर एनी पर्सन कंसल्टेशन। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़, अगर वास्तु शास्त्र है, टैरो रीडिंग है, पर्सनल कराना चाहते हैं, सो नीचे आप या तो कमेंट कर लीजिए या मुझे कॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।